तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा 2023 का जो है हिंदी का फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड डी है, तो और पास कोई दूसरा भी सेट हो तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो ये कहा है अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द जो है, तो ये चलाया था बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका व्यक्तिगत नाम था देव या देवराय। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का जो है श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो यह है जैन का। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यह है जैन का। तो अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो इसमें है नेपाली गोई गोरखे की। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बहादुर ने मार खाकर जो है बहादुर से मार खाकर भैंस जो है किसके पास चली गई थी भाग करके? तो गई थी उसके माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो है यह रचना है, यह रचना है प्रेमचंद्र का। तो आपके ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आप लोग क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग क्या मारे हैं आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या मारे हैं? तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जो है मंगलम नागेश्वरम की तरह शहनाई जो है किसकी मंगल ध्वनि का चिन्ह है? तो यह है श्रवण, यह है पर्वतीय गीत। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मरते दम तक जो है शहनाई नहीं छूटेगी, ना छूटेगी काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिस्मिल्लाह खां का। अगर आप लोग ने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है कि गायक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं अक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने अक मारे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तालु शब्द का जो है विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संधि में किसका योग होता है? तो ये होता है दो वर्णों का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समान पद का अव्यय हो उसे कौन सा समास है? तो वह है अविभाव समास। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त कौन समास है? तो रोग से ग्रस्त ये होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 15 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वह बाजार की ओर आया होगा किसका जो है किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है क्रिया पदबंध का। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त जो है उसके अधीन और कोई दूसरा अंगवाक्य हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कछुए ने खड़गोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो कछुओं ने खड़गोश को हरा दिया यह उदाहरण है सरल वाक्य का। जिन्होंने इसका ऑप्शन नंबर बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें पूछा गया है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो रूपति सुमन बहुत सुंदर है, ये शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश का हो जाएगा एक दंत। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं
उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा जो है मेरे घर के चारों ओर हो और अधिक स्वतंत्रता के साथ जो बहती रहे, यह किसने कहा है? तो ये कहा है गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बीस के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है बीस के दांत तथा अन्य कहानी से। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ के जो है लेखक के बड़े लड़कों का नाम क्या है? तो इसके बड़े लड़के का नाम है किशोर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारे हैं किशोर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचक के जो है महत्वपूर्ण साक्षात्कार थे? क्या चालू नहीं हुआ है? तो ये थे, इसका उत्तर जो नीचे कमेंट कीजिए, सभी का क्वेश्चन इसका उत्तर नीचे कमेंट कीजिए आप लोग क्या मारे हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मेघदूत का जर्मन पद्मानुवाद जो है किसने किया है? तो ये आपका किया है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो यह परिणाम है पार्श्विक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन पद्मानुवाद जो है ये किसने किया है? तो ये किया था मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो यह है पार्श्विक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसमें कौन सा लिंग है? तो यह है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 31 का तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है भाप शब्द का तत्सम है। ऑप्शन नंबर अगर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं श्रीमती तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो हो जाएगा लड़के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप अन्य शब्दों के साथ जो है उनका संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका हो जाएगा कारक। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं कारक तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मे पर किस कारक की विभक्ति है? तो मे पर है अधिकरण की। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, अधिकरण कारक। तो अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो हिमालय से आपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम हैं। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए आपका हो जाएगा एक शब्द आस्तिक। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उगल देना मुहावरे का अर्थ है? तो उगल देना है गुप्त बात को प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो होगा गगन। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं गगन तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी का हो जाएगा विगत, जो बीत गया है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा?
हो जाएगा अपलक, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तिराग चले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखती, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, त्रिपाद कौन समास है? तो त्रि लगा हुआ जो कि एक संख्यावाचक है, तो जगह द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है द्विगु समास। तो अगला प्रश्न है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पय जोड़ धर, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक के किस धर्म का जो है प्रवर्तन किया था? यथा गुरु नानक ने जो है यह किया था सिख धर्म का, सिख के दसवें पहले गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कवि घनानंद का वध जो है किसके सैनिक ने किया था? तो इनका वध किया था नदिर शाह के सैनिक ने, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं नदिर शाह, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला प्रश्न है, संप्रदाय कृष्ण, चलिए यहाँ पर तो अगला प्रश्न हो जाएगा, तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद जो है किस कवि की पुस्तिका में किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इसका पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है? तो यह है अक्षर ज्ञान की, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो मुक्ति नहीं मिलती है गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद थे रीतिमुक्त धारा के, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1855 में, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 50 हाथी किस विशेषण का जो है उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संख्यावाचक विशेषण का, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका ये उदाहरण है प्रेरणार्थक क्रिया का, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जो है जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर रहेगा है ये हो जाएगा भविष्यत काल का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के आधार पर जो है अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा में विशेष अर्थ का परिव्याचक हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं योग रूढ़ शब्द तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि अनजान में कौन सा उपसर्ग है? तो अनजान में जो इसमें उपसर्ग है औपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो यह था दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म जो है आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देसाओ में, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि भारत जो है किसकी भूमि है? तो भारत है पाश्चात्य संस्कृति की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाराणसी के पास जो है दरिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जो है आप लोग जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर 70 का डी मारे हैं तो आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है प्राचीन मानव। तो अगला प्रश्न है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा को उसके बहू नजम्मा के साथ विवाद था, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है नजम्मा। तो अगला प्रश्न है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो यह है उड़िया। तो अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में तूफान में जो है किसका घर टूट गया था? तो घर टूट गया था लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन भरी हुई है? तो ये किसे महसूस हुआ था? तो ये आपको महसूस हुआ था सीता को, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बीमारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो इसे कहा गया था 48 नंबर के कमरा दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं 48 बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पहले दिन पंपति को क्या थी? तो क्या थी इसका उत्तर नीचे कमेंट कीजिए, वैसे इसको बुखार होना चाहिए ऑप्शन में। तो अगला प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में जो है
किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? तो ये क्या, माँ जी ने। तो अगला प्रश्न है कि खून की सगाई किस प्रसिद्ध किसकी जो है प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई जो है यह प्रसिद्ध कहानी है ईश्वर पेटलेकर की। तो ईश्वर पेटलेकर जो है इनका बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए जो है किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराज ययाति केसरी ने, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो होते हैं तीन भेद। तो अगला प्रश्न है कि च का जो है उच्चारण स्थान क्या है? जो च का होता है तालु, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो 83 है, इनमें से कौन जो है अंतः स्वस्थ व्यंजन है? तो ये आपको हो जाएगा योर लॉ होता, तो ऑप्शन नंबर इसमें लॉ है, तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं लॉ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि एक मात्रिक स्वर कौन सा है? तो यह है हरिस्वर, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ये होती है एक स्वर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा यदि जोड़ अपि, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें कौन सा जो है वो शुद्ध है? तो इसमें लिखा हुआ जो दधीची है ये शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है इकारा का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है कि त्र का जो है यह क्या है? त्र जो है यह क्या है? त्र तो यह है संयुक्त व्यंजन, मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? आपका अगला प्रश्न है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु भाव और जी का बोध होता है? तो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की जो है रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो ये क्या था, गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिय यह किस कवि का कथन है? तो ये कथन है ये कथन किसका है? तो ये रसखान का कथन है, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता की में जो है कवि ने माली मादिन किसे कहा है? तो ये कहा है राधा कृष्ण को, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं राधा कृष्ण बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक कविता किसे संकलित है? तो ये संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है युगपथ किस कवि की रचना है? तो युगपथ जो है ये रचना है किसका रचना है? तो रचना है सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं 95 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी विश्व चित्रण प्रेमघन जो है रचित किस काव्य का